बुरहानपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में 3 मासूम अपने हाथों में तख्ती लेकर न्याय की गुहार लगाते पहुंचे। आपको बता दें कि साथ में उनके माता पिता भी थे और पिता की एक्सीडेंट के कारण पैर फ्रैक्चर हुआ था, इसका इलाज एप्पल हॉस्पिटल में किया गया था। दरअसल बुरहानपुर जिले के लालबाग निवासी नितिन का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण नितिन की एक टांग में फ्रैक्चर हो गया था और पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसका इलाज आयुष्मान योजना के तहत एप्पल हॉस्पिटल में किया गया, किंतु मरीज का इलाज होने के बाद भी यह ठीक नहीं हुआ और आयुष्मान के नाम से शासन से भी पैसे ले लिए गए। मरीज से भी 5 लाख रुपए अस्पताल प्रबंधन ने लिए, जिसके चलते मरीज को अपना घर बेचकर अस्पताल का बिल चुकाना पड़ा। वहीं मरीज ने इसके बाद जब अपना इलाज महाराष्ट्र के जलगांव में कराया तो वहां के डॉक्टर ने बताया कि पूर्व में जिस डॉक्टर ने इलाज किया वह सही नहीं किया, जिस कारण आपके पैरों की समस्या अधिक बढ़ गई है। अब मरीज न्याय की गुहार लेकर अपने 3 मासूम बच्चों के साथ कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचा और डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर न्याय की गुहार लगाने लगा। महीने से मैं परेशान हूँ। एप्पल हॉस्पिटल पे मैंने ऑपरेशन किया था, डॉक्टर चंदन बोले उसने 2 बार ऑपरेशन किया, 2 बार ऑपरेशन करने के बाद में फिर भी मेरा पैर का इलाज नहीं हुआ। आयुष्मान के भी 4-5 लाख रुपए खा गए, मुझसे भी 4-5 लाख रुपए खा गया। और तीसरा ऑपरेशन मैंने जलगांव में किया, मकान गिरवी रखकर वहाँ 4-5 लाख रुपए लगाए, फिर भी मेरे को यहाँ आने कलेक्टर ऑफिस आने के बाद भी मुझे कोई सामान नहीं मिली। बस मुझे इंसाफ चाहिए भैया। मेरे पास आए थे, उनके द्वारा ये शिकायत की गई कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के पश्चात उनको भर्ती कराया गया एप्पल हॉस्पिटल। वहाँ पर करीब 2 या 3 बार ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन प्रॉपरली हो नहीं पाया, फेल हो गए संभव था। और फिर उसके बाद उन्होंने इलाज करवाया जलगांव, जहाँ पर उनका काफ़ी पैसा खर्च हो गया। तो तत्संबंध में इन्होंने एप्पल अस्पताल के डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। मैंने डॉक्टर CMHO जो सिसोदिया साहब ने उनको कॉल करके बताया है।